सबसे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस फ्रीडम को लेकर चिंता जताई है। कहा, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में गिरी है भारत की रैंकिंग। 180 देशों में 150वें स्थान पर पहुंच गई है भारत की रैंकिंग। ये भारतीय मीडिया की दुर्दशा का प्रतीक है। 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद से ही मीडिया के दमन का ऐसा कुचक्र चला है। मीडिया पूरी तरह केंद्र सरकार, भाजपा एवं आरएसएस के इशारे पर चल रही है। मीडिया में इतना भय व्याप्त हो गया है कि निष्पक्षता एवं तर्क के साथ सच दिखाने के बजाय ऐसी कवरेज की जाती है जिससे इनकी नाराजगी ना मोल लेनी पड़ जाए। आज महंगाई एवं बेरोजगारी के कारण जनता में हाहाकार मचा हुआ है, परंतु इस पर मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है। सिर्फ धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण की ही बहस चलती रहती है। मीडिया को केंद्र सरकार के दबाव में ना आकर जनता का साथ देना चाहिए। जब मीडिया आमजन के हित की बात करेगा तो जनता भी मीडिया का साथ देगी। केंद्र सरकार की इतनी हिम्मत नहीं होगी वो मीडिया पर अंकुश लगा सके जैसा अभी लगाया हुआ है। तो बेहद अहम बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही है। प्रेस फ्रीडम को लेकर उन्होंने चिंता जताई है और चिंता जताते हुए उन्होंने कहा है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग गिरी है। 180 देशों में 150वें स्थान पर पहुंच गई है भारत की रैंकिंग। ये भारतीय मीडिया की दुर्दशा का प्रतीक है। 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद से ही मीडिया के दमन का ऐसा कुचक्र चला है। मीडिया पूरी तरह केंद्र सरकार, भाजपा एवं आरएसएस के इशारे पर चल रही है। मीडिया में इतना भय व्याप्त हो गया है कि निष्पक्षता एवं तर्क के साथ सच दिखाने के बजाय ऐसी कवरेज की जाती है जिससे इनकी नाराजगी ना मोल लेनी पड़ जाए। आज महंगाई एवं बेरोजगारी के कारण जनता में हाहाकार मचा हुआ है, परंतु इस पर मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है। सिर्फ धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण की ही बहस चलती रहती है। मीडिया को केंद्र सरकार के दबाव में ना आकर जनता का साथ देना चाहिए। जब मीडिया आमजन के हित की बात करेगा तो जनता भी मीडिया का साथ देगी। केंद्र सरकार की इतनी हिम्मत नहीं होगी वो मीडिया पर अंकुश लगा सके जैसा अभी लगाया हुआ है। जब मंत्री कह रहे थे सांसदों से मिलना और सांसद निकाल रहे थे नींद। बात किसानों के एफपीओ और सीडब्ल्यूओ की चार राज्यों के सम्मेलन की। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के किसान वो प्रतिनिधि आए सम्मेलन में। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने की अपील, कहा एफपीओ में ज्यादा किसान जोड़े। यदि आपको कहीं समस्या आए तो मुझसे मिले, आपके सांसदों से मिले। लेकिन मंच पर जब ये संबोधन दे रहे थे कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, उसी दौरान सांसद रामचरण बोहरा निकालते दिखे नींद। शायद चौधरी के तकनीकी और लंबे भाषण के बीच बोर हो गए थे बोहरा। अपने आप में बेहद गंभीर ये पूरा मसला, क्योंकि जब मंत्री कह रहे थे सांसदों से मिलना और सांसद निकाल रहे थे नींद। बात किसानों के एफपीओ और सीबीबीओ के चार राज्यों के सम्मेलन की हम कर रहे हैं। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के किसान और प्रतिनिधि आए थे सम्मेलन में। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने की अपील, कहा एफपीओ में ज्यादा किसान जोड़े। यदि आपको कहीं समस्या आए तो मुझसे मिले, आपके सांसदों से मिले। लेकिन मंच पर जब ये संबोधन दे रहे थे कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, उसी दौरान सांसद रामचरण बोहरा निकालते दिखे नींद। शायद चौधरी के तकनीकी और लंबे भाषण के बीच बोर हो गए थे बोहरा। राज्य सरकार को नहीं किसानों की चिंता, मैंने बुलाया तो पहले हाँ करते रहे, फिर 10 मिनट पहले मना कर दिया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किया है कटाक्ष। कहा आज चार राज्यों के एफपीओ का बड़ा सम्मेलन राजस्थान में रखा। किसानों की आय बढ़ाने, मार्केट उपलब्ध करवाने के लिए सम्मेलन रखा। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा को आना था। मैंने खुद कार्यक्रम के लिए मंत्री जी को फोन किया था। पहले वे कार्यक्रम में आने के लिए हाँ कह रहे थे, फिर मना कर दिया। लगता है कि किसानों से राज्य सरकार को कोई सरोकार नहीं है। आज कृषि मंत्री आते तो किसानों का मनोबल बढ़ता, इससे राजस्थान के किसान ज्यादा लाभान्वित होते। तो अपने आप में बेहद बड़ी बात उन्होंने कही और ये भी कहा कि राज्य सरकार को किसानों की चिंता ही नहीं है। मैंने बुलाया तो पहले हाँ करते रहे, फिर 10 मिनट पहले मना कर दिया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किया कटाक्ष। कहा चार राज्यों के एफपीओ का बड़ा सम्मेलन राजस्थान में रखा। किसानों की आय बढ़ाने, मार्केट उपलब्ध करवाने के लिए सम्मेलन रखा गया। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया व राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा को आना था। मैंने खुद कार्यक्रम के लिए मंत्री जी को फोन किया था। पहले वे कार्यक्रम में आने के लिए हाँ कह रहे थे, फिर मना कर दिया। लगता है कि किसानों से राज्य सरकार को कोई सरोकार ही नहीं है। आज कृषि मंत्री
आते हैं तो किसानों का मनोबल बढ़ता, इससे राजस्थान के किसान ज्यादा लाभान्वित होते। तो राजस्थान के किसान ज्यादा लाभान्वित होते ये कहना है कृषि राज्य मंत्री, जो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री है उनका। तो राज्य सरकार को नहीं है किसानों की चिंता, ये उन्होंने कहा है। साथ ही ये भी कहा है कि मैंने बुलाया तो पहले हाँ करते रहे, फिर 10 मिनट पहले मना कर दिया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि आज 4 राज्यों के FPO का बड़ा सम्मेलन राजस्थान में रखा, किसानों की आय बढ़ाने और मार्केट उपलब्ध करवाने के लिए सम्मेलन रखा गया था। बात करते हैं NPS फंड में जमा 39,000 करोड़ लौटाने से PFRDA के इनकार। तो ये इनकार का ये पूरा प्रकरण है, NPS फंड में जमा 39,000 करोड़ लौटाने से PFRDA का इनकार प्रकरण। PFRDA में जमा राशि विड्रॉ कर कर्मचारियों के GPF में ट्रांसफर करना चाहती है गहलोत सरकार। ऐसे में राज्य के 5.5 लाख कर्मचारियों का भविष्य उलझा है। कर्मचारियों के हित में सुप्रीम कोर्ट जा सकती है गहलोत सरकार। NPS में सबसे अधिक फंड जमा करने वाला राज्य है राजस्थान। PFRDA के इनकार पर PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का PM से सवाल, मोदी जी राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों से आपको क्या तकलीफ है? आप इनके हक के रास्ते में चाहे जितने रोड़े अटका दो, लेकिन आप इनसे इनका हक नहीं छीन सकते। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने तमाम अहम सवाल इस पूरे प्रकरण को लेकर के उठाए हैं। NPS फंड में जमा 39,000 करोड़ लौटाने से PFRDA के इनकार का ये पूरा प्रकरण है। PFRDA में जमा राशि विड्रॉ कर कर्मचारियों के GPF में ट्रांसफर करना चाहती है गहलोत सरकार। ऐसे में राज्य के 5.5 लाख कर्मचारियों का भविष्य उलझा हुआ है। कर्मचारियों के हित में सुप्रीम कोर्ट जा सकती है गहलोत सरकार। NPS में सबसे अधिक फंड जमा करने वाला राज्य है राजस्थान। PFRDA के इनकार पर PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का PM से सवाल कि मोदी जी राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों से आपको क्या तकलीफ है? आप इनके हक के रास्ते में चाहे जितने रोड़े अटका दो, लेकिन आप इनसे इनका हक नहीं छीन सकते। तो ये बड़ा और गंभीर सवाल PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पूछा है, क्योंकि NPS फंड में जमा 39,000 करोड़ लौटाने से PFRDA ने इनकार कर दिया है और ये प्रकरण लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा। बीजेपी प्रदेश महामंत्री विधायक मदन दिलावर का बड़ा बयान, कहा जब तक मेवात क्षेत्र का नाम बदलकर नहीं किया जाएगा ब्रिज क्षेत्र, तब तक के लिए मैं आरामदायक बिस्तर का करता हूं त्याग, चटाई बिछाकर मैं तब तक जमीन पर सोऊंगा। बीजेपी प्रदेश महामंत्री विधायक मदन दिलावर ने लगाया आरोप, कहा मेवात में हिंदुओं पर आए दिन हो रहे हैं अनगिनत अन्याय। तो बड़ी घोषणा उन्होंने कर दी है, या कहें कि बड़ा बयान उनके ओर से जारी कर दिया गया है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री विधायक मदन दिलावर की ओर से बयान जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि जब तक मेवात क्षेत्र का नाम बदलकर नहीं किया जाएगा ब्रिज क्षेत्र, तब तक के लिए मैं आरामदायक बिस्तर का त्याग करता हूँ, चटाई बिछाकर मैं तब तक जमीन पर सोऊंगा। बीजेपी प्रदेश महामंत्री विधायक मदन दिलावर ने आरोप लगाया और कहा है कि मेवात में हिंदुओं पर आए दिन हो रहे हैं अनगिनत अन्याय। तो मेवात में हिंदुओं पर आए दिन अनगिनत अन्याय हो रहे हैं, यह आरोप लगाया गया है बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और विधायक मदन दिलावर के द्वारा। और साथ ही उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा भी है कि जब तक मेवात क्षेत्र का नाम बदलकर ब्रिज क्षेत्र नहीं रखा जाएगा, तब तक के लिए वो आरामदायक बिस्तर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आरामदायक बिस्तर का वो त्याग करते। इस गर्मी में अब पीने के पानी का भी संकट, जयपुर में बिजली के बाद अब पानी की भी अघोषित कटौती। वाटर स्टोर को बिसलपुर की मेन लाइन से जोड़ने के कारण बाधित रहेगी सप्लाई। जयपुर एरिया में करीब 80,000 घरों में आज पानी की सप्लाई प्रभावित रही है। जयपुर के करीब 25% एरिया में आज नहीं की गई शाम के पानी की सप्लाई। पानीपेच स्थित पुराने वाटर स्टोर को बिसलपुर की सेंट्रल ट्रांसफर पाइपलाइन से जोड़ने के चलते आज शाम को मुरलीपुरा, शास्त्री नगर, विद्याधर नगर और सीकर रोड से लगती ही कॉलोनियों में आज शाम को पानी की सप्लाई नहीं हुई। काम पूरा होने पर 7 मई से पानी की सप्लाई सामान्य दिनों की तरह होने लगी। तो अपने आप में बेहद गंभीर ये पूरा मसला हो जाता है, क्योंकि एक और तो बिजली की समस्या आम लोगों के समक्ष, दूसरी ओर गर्मी तो बढ़ी रही है पर अब पानी की समस्या भी आम लोगों के सामने खड़ी हो गई है। तो किस तरीके से समस्या से आम लोगों को निजात मिलेगी, ये भी एक बड़ा सवाल, क्योंकि एक और चुभती जलती गर्मी का दौर लगातार राजस्थान में जारी है। तो वहीं बिजली कटौती का दौर भी देखने को मिला, अब उसके बाद पानी की समस्या लोगों के समक्ष है। चंडीगढ़ से मुंबई जा रहे विमान की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग, मेडिकल इमरजेंसी के चलते करवाई गई विमान की लैंडिंग
इंडिगो की फ्लाइट संख्या 65283 का एक पूरा प्रकरण है। चंडीगढ़ से सुबह 6:15 पर फ्लाइट हुई थी मुंबई के लिए रवाना। सुबह 8:35 पर फ्लाइट को पहुंचना था मुंबई एयरपोर्ट, लेकिन इस बीच विमान के अंदर एक यात्री शुभम की तबीयत खराब हो गई। इस कारण विमान की जयपुर से कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। सुबह 7:10 पर जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतरा विमान। तुरंत ही एयरपोर्ट से एम्बुलेंस से यात्री को भिजवाया EHCC अस्पताल। चंडीगढ़ से मुंबई जा रहे विमान की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। आनंद भवन और स्वराज भवन से जुड़ा रोचक वाक्य शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने साझा किया। ये रोचक वाक्य स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू से एक पत्रकार ने किया था सवाल, आप देश को आजादी मिलने के बाद प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनेंगे, तब आनंद भवन और स्वराज भवन का क्या करोगे। जवाहरलाल ने कहा था कि मेरे पिताजी मोतीलाल जी उक्त संपत्तियों के मालिक हैं, जब मुझे विरासत में ये संपत्तियां मिलेंगी तब मैं उन्हें राष्ट्र को समर्पित कर दूंगा। ये बात मोतीलाल नेहरू को जब पत्रकार ने बताई और कहा आपकी संपत्तियों को आपका बेटा जवाहरलाल खुर्द बुर्द करने की बात कर रहा है, तो मोतीलाल जी ने जवाहरलाल नेहरू को बुलाकर इस संबंध में बात की। कहा देश हित में तुम आनंद भवन स्वराज भवन को समर्पित करना चाहते हो, तो मेरे बात क्यों, मेरे सामने ही ये पुनीत कार्य क्यों नहीं करते हो। मोतीलाल जी ने अगले दिन ही स्टाम्प पेपर मंगवाकर दोनों पिता और पुत्र ने दान किए। स्वराज भवन और आनंद भवन राष्ट्र हित में समर्पित कर दिए, अर्थात दान कर दिए। बीडी कल्ला ने कहा ऐसे महापुरुष जिनकी तीन पीढ़ियां एक साथ स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल में रही, ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी मोतीलाल नेहरू को जन्म तिथि पर कोटिशः नमन करता। बेहद रोचक ये पूरा वाक्य आनंद भवन और स्वराज भवन से जुड़ा हुआ।